CPL के मैच नंबर 10 में आमने सामने थे BR और JT, जिसमें BR ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया और 20 ओवरों में 151 रन 8 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर लगा दिए। BR की पारी के स्टार्स रहे युवा आजम खान और ग्लेन फ्लिप्स, दोनों ने ही शानदार बैटिंग का प्रदर्शन दिखाया। BR का बैटिंग स्कोर कार्ड कुछ इस तरह है। चार्ल्स ने 17 गेंदों में 13 रन बनाए, शाही होप ने 8 गेंदों में 9 रन, वहीं के मायर्स अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ग्लेन फ्लिप्स ने 29 गेंदों में 31 रन बनाए, जेम्स होल्डर भी अपना खाता नहीं खोल पाए। आजम खान ने 30 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ 3 छक्के और 5 चौके लगाए। राइफर ने 11 रन, वाल्स ने 10 रन, बिशप ने 18 रन, वहीं आमिर ने 1 रन बनाया। वहीं JT की बॉलिंग में मास्टर रहे मिगेल प्रिटोरियस, जिन्होंने 4 ओवर में 45 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। 152 रनों का पीछा कर रही JT शुरुआत से ही काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखी और सिर्फ 18वें ओवर में ही उन्होंने इस मैच को बड़े ही आराम से जीत लिया। JT की इस पारी में कुछ शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिनमें लुइस और ब्रुक्स शामिल हैं। किनार लुइस ने दमदार 5 छक्कों की मदद से 89 रनों की पारी खेली, वहीं मैच को अंतिम मोड़ देने वाले ब्रुक्स ने 47 रनों की पारी खेली। JT का बाकी स्कोर कार्ड कुछ इस तरह है। वॉल्टन ने 4 रन बनाए, किनार लुइस ने 89 रन, हैदर अली ने 1 रन, रोमैन पॉवेल ने 3 रन, सामराह ब्रुक्स ने 47 रन, आंद्रे रसल ने 6 रन। वहीं BR की बॉलिंग में सिर्फ जोशुआ बिशप ही कमाल दिखा पाए और उन्होंने 4 ओवरों में 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और तो और उन्होंने 1 ओवर मेडन भी डाला। अपनी दमदार पारी के लिए किनार लुइस को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, CPL की तमाम अपडेट्स और हाइलाइट्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को।